व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप दोस्तों अच्छे होंगे। मेरा नाम है जकी और आप देख रहे हैं जकी फॉर यू। आज के वीडियो में दोस्तों हम अपडेट करने वाले हैं ओप्पो A76 को। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और अपडेट के स्टार्ट में ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जस्ट अपडेट है स्मार्टफोन के सिस्टम की है। उसे करने के बाद आपका कोई डाटा भी कुछ भी डिलीट नहीं होगा, ठीक है। आप बार बार यही कमेंट करते हैं कि हमारा कोई डाटा, कोई वीडियोज वगैरह तो डिलीट नहीं होंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट अपडेट है जो कि स्मार्टफोन के सिस्टम की है। ओके, तो इंटरनेट आपने कनेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद दोस्तों सेटिंग में आ जाइए और अबाउट डिवाइस में सामने हमारे पास डॉट बना हुआ है। ये सिस्टम, ये जो अपडेट का ऑप्शन है, इसीलिए हमारे पास यहाँ पर डॉट बना हुआ है। इसके ऊपर मैं टैप कर देता हूँ। देन हमें चले जाना है न्यू वर्जन अवेलेबल, यहाँ पर दोस्तों आ जाना है। और अबाउट दिस वर्जन, इसके बारे में डिटेल लिखी गई है दोस्तों। सिस्टम यहाँ पर सिक्योरिटी और मस्ट नाउ यहाँ पर लिखा है। आप चाहें तो यहाँ पर रीड करना चाहते हैं तो रीड कर सकते हैं। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट plurals.com, इस पर भी आप जाके विजिट कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ बैक। यहाँ पर अपडेट अवेलेबल लिखा है और ऑफिशियल वर्जन कलर्स 12.1 है, एंड्राइड 12। तो इसका जो साइज है 1.12 GB है। तो आपके पास ये साइज कम भी आ सकता है और ज़्यादा भी आ सकता है। ये सबके स्मार्टफोन, हर स्मार्टफोन पर दोस्तों डिफरेंट ही आएगा दोस्तों। आपके पास ये साइज 500 MB तक आ सकता है दोस्तों, 1 GB से ज़्यादा आ सकता है। तो कोई भी दोस्तों साइज आपके पास आ सकता है। तो उसके बाद मैं दोस्तों क्या करूँगा, इसको रेज्यूम के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों डाउनलोडिंग हो चुकी है स्टार्ट। पहले दोस्तों डाउनलोडिंग होगी, देन होगी इंस्टॉलिंग। हम इसको डाउनलोड होने देते हैं कंप्लीट। और इसमें दोस्तों अपडेट को कंप्लीट करते हुए दोस्तों 2 से 2.5 घंटे आराम से लग सकते हैं। तो दोस्तों आप जब भी इसको करें, अब फ्री होकर करें, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। और पहले डाउनलोडिंग होगी, उसके बाद दोस्तों इंस्टॉलिंग होगी। अब हम इसको कंप्लीट डाउनलोड होने देते हैं। ओके, तो डाउनलोडिंग हो गई है कंप्लीट। यहाँ पर आप देखते हैं इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ चुका है और मैंने इसके ऊपर दोस्तों टैप कर दिया है। पहले दोस्तों ये वेरीफाई होगा, अगर आपने फिंगर वगैरह सेट किया है तो मे भी आपको फिंगर का ऑप्शन यहाँ पर आ सकता है। तो स्मार्टफोन हो गया है रीस्टार्ट। यहाँ पर भी दोस्तों हमें टाइम लगेगा, कुछ स्टेजेस आएंगी, 5 से 7 स्टेजेस आएंगी, यहाँ पर भी हमें टाइम लग जाएगा। हमने डाउनलोडिंग कर ली है कम्प्लीट और यहाँ पर इंस्टॉलिंग होने वाली है। तो वेट करते हैं, इसको इंस्टॉल होने देते हैं। उसके बाद चेक करेंगे हमारे स्मार्टफोन में चेंजिंग क्या हुई है, वर्जन कौन सा आया है न्यू। इससे जस्ट ये अपडेट थी स्मार्टफोन के जो सिस्टम को इम्प्रूवमेंट के लिए। तो वेट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दोस्तों 1 of 7 7 स्टेजेस हमारे पास आने वाली है। ये हमारे पास 1 स्टेज कंप्लीट होगी, तो इसी तरह से बाकी 6 स्टेजेस भी कंप्लीट होने वाली है। तो इसमें दोस्तों थोड़ा टाइम लग जाएगा, आपको वेट करना है। अभी तक दोस्तों हमने जस्ट 2 क्लिक किए हैं और इन 2 क्लिक पर ही पूरी अपडेट होने वाली है। यहाँ पर 7 of 7 स्टेज दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है और हमारा स्मार्टफोन दोस्तों अब स्टार्ट होगा, पावर ऑन होगा। और इसके बाद चेक करते हैं दोस्तों वर्जन चेंज हुआ है, इसमें चेंजिंग क्या होंगे। जस्ट इम्प्रूवमेंट के लिए अपडेट दी गई थी। ओके, तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों हमारा स्मार्टफोन पावर ऑन हो गया है कम्प्लीटली तौर पर। और यहाँ पर दोस्तों चेक कर लेते हैं, अभी भी दोस्तों यहाँ पर अपडेट हो रही है, फिनिशिंग लिखा आ रहा है। ओके, तो ये हो गई है कंप्लीट। चेक करते हैं दोस्तों कुछ भी दोस्तों सेम है सब कुछ। यहाँ पर दोस्तों बैकग्राउंड पर आपको थोड़े से यहाँ पर आइकन छोटे बैकग्राउंड से नज़र आ रहे हैं, तो मैं भी दोस्तों थोड़ी बहुत जी चेंजिंग हुई है जैसा कि मुझे लग रहा है, लेकिन दोस्तों मुझे याद भी नहीं आ रहा सही से। ओके, तो यहाँ पर सेटिंग में भी सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है, आइकन वगैरह भी सेम है, कोई ऑप्शन यहाँ पर नया नहीं आया। अब मैं दोबारा से जाऊँगा अबाउट डिवाइस में और ऑफिशियल वर्जन में इस पर दोस्तों मैं क्लिक कर देता हूँ। तो मैं इंटरनेट को भी दोस्तों कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो इंटरनेट मैंने दोस्तों कनेक्ट कर लिया है, हम आ जाते हैं दोबारा से। तो यहाँ पर दोस्तों अपडेट चेक कर रहा है दोबारा से, यहाँ पर चेक करते हैं कंप्लीट हो गई है या नहीं हुई, थोड़ा सा वेट करना है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर वर्जन अप टू डेट यहाँ पर लिखा है, ऑफिशियल वर्जन नीचे मेंशन लिखा हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने स्मार्टफोन को अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका स्मार्टफोन लैग कर रहा है, कोई बग आ रहा है, कोई भी दोस्तों इश्यू आपके पास आ रहा है,
इस अपडेट को आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिएगा, चैनल को उस टाइम सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर जो भी वीडियो अपलोड करो उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।